स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञानबाज। स्क्वायर निकालना हमने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, ठीक है। जो आपकी कोई भी तैयारी हो, लाइक SSC का एग्जाम है, बैंक के एग्जाम है, बैंक में बहुत काम आता है SSC के एग्जाम हो, तो बीच बीच में ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं जिनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है, तो उसके हम बहुत जबरदस्त ट्रिक लेके आए हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, कितना भी बड़ा नंबर हो, डिपेंड करता है कि नंबर कैसा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। स्क्वायर रूट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्क्वायर रूट टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो स्क्वायर रूट का मतलब पता ही है, जैसा कि वर्गमूल होता है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, ठीक है। सो दोनों के लिए आराम से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट का मतलब आपको पता है, वर्गमूल होता है, ठीक है। सो अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में हमने लिखा क्या है, पहले नंबर लिखा है, उसके बाद उसी नंबर का हमने स्क्वायर लिखा है, उसी के बाद उसका यूनिट प्लेस लिखा है। यूनिट प्लेस का मतलब समझते हैं, इकाई का अंक जिसको बोलते हैं। अब यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, वन का यूनिट प्लेस स्क्वायर करने पर वन ही मिलता है, तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा, वन बनेगा। अगर हम टू का स्क्वायर करेंगे फोर होगा, तो यूनिट प्लेस में भी क्या आएगा, फोर ही आएगा। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन मिलता है, और यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा। अब जैसे ही फोर पे जाएंगे, अब फोर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सिक्सटीन आएगा। अब सिक्सटीन में यूनिट प्लेस क्या मिल रहा है, देखो सिक्स मिल रहा है, तो सिक्स लिखा है। ऐसे ही हमने कंटिन्यू किया है सबके आगे, फाइव का 25, 5 यूनिट प्लेस, 6 का 36, 6 यूनिट प्लेस, सबके इकाई का अंक ये लिखा हुआ है, उसी का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और ये नंबर है। आपको ये पता है कि मेरे पास नंबर कितने होते हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं। अब उसी में हमें एंड रिजल्ट मिलेगा, एंड में क्या मिलेगा ये हम देख पाएंगे। तो आगे हम इसके बारे में कुछ शॉर्टकट्स बताते हैं आपको, और कुछ की पॉइंट्स जिसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। जैसा कि हम स्क्वायर रूट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो हमेशा जब भी एग्जाम होगा और जब भी एग्जाम में आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ये क्लियर दिमाग में सेट कर लो। अगर इसके अलावा ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये इनके अलावा कुछ भी और नंबर मिलेंगे, देखो कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, 1, 4, 9, 6, फिर 5, फिर 6, 9, 4 और 1, इसके अलावा कोई भी नंबर दिखेगा एंड में स्क्वायर रूट के, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो याद रखना है आपको कि जब भी एग्जाम में आप देखोगे, तो जो भी एग्जाम क्वेश्चन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में ही पूछा गया होगा। अगर नहीं है और ये नंबर भी दिए हैं या कोई और नंबर दिया है, तो उसमें हमेशा लिखा होगा फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, या इस वर्गमूल का अप्रोक्सीमेट मतलब आंशिक मान, और वहां तक का और मतलब जो बोल सकते हैं ना, लगभग कितना मान इसका आएगा, ठीक। तो अब की पॉइंट में हम आपको बता दें फटाफट से, की पॉइंट क्या बनेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम एक मिनट के लिए हट जाते हैं, ठीक। अब आपको ये यूनिट प्लेस याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कैसा यूनिट प्लेस याद रखे होंगे, अब हम आपको इनको इस की पॉइंट्स में शॉर्टकट बता देते हैं, क्या करना है, कैसे याद रखेंगे उसके लिए हम बता देते हैं, ठीक। अब अगर मेरे पास यूनिट प्लेस में स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे वन आता है, यूनिट प्लेस पे वन आता है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे वन मिलता है। तो आप बोलोगे सर एक होता है वन, जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे वन मिलता है, और एक होता है नाइन। दो ही ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है, वन मिलता है, ठीक। सेम एज अगर हम कहें फोर ले लेते पहले, अब फोर तो टू का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें एंड में फोर मिलता है, और एट का स्क्वायर करने पर करें तो तब भी हमको एंड में क्या मिलता है, फोर मिलता है। अगर हम नाइन की बात करें, तो आप कहोगे सर थ्री का स्क्वायर करने पर नाइन मिलता है, और सेवन का स्क्वायर करने पर भी हमें एंड में नाइन मिलता है, मतलब यूनिट प्लेस में। ऐसे ही अगर हम सिक्स की बात करें, तो अगर हम फोर का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें एंड में क्या मिलता है, सिक्स मिलता है, और अगर हम सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें एंड में क्या मिलता है, सिक्स मिलता है। तो कहने का कंक्लूजन मेरा क्या है, सपोज आपके स्क्वायर रूट में 1, 2, 4 और 6 लिखा, ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया, पक्का नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर हो, एंड में देखो क्या लिखा हुआ है, सिक्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है।
अगर 6 लिखा है एंड में, तो आपको ये पता है कि अगर मेरे एंड में 6 है तो वो दो नंबर कौन से हैं जिनका स्क्वायर करने पे एंड में 6 मिलता है। तो आप बोलोगे सर या तो वो 4 होगा या तो वो 6 होगा, बस यही दो नंबर तो आएंगे मेरे आंसर में। ठीक, तो यही है, इसी को आगे हम और डिस्कस करेंगे। एक नंबर छूट रहा है 5। अब 5 का स्क्वायर करने पे हमें क्या ही मिलता है, 5 मिलता है, मतलब सेम वैल्यू मिलती है। ये बात आपको होप समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ सकते हैं। आगे हमने देखो नोट डाल के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की बात लिखी है। क्या लिखी है कि नोट लिखा है 2, 3, 7, 8 कम्स एट यूनिट प्लेस ऑफ अ स्क्वायर रूट विल नॉट फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका मतलब यह है कि अगर 2, 3, 7 और 8 अगर हमें किसी भी स्क्वायर रूट के आखिरी में मिलेंगे, एंड में मिलेंगे, सपोज यहां पर अगर लिखा होता 2, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही अगर 3 आ जाता एंड में तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ऐसे ही अगर 7 आ जाता तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और 8 भी आता तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। एक चीज और भी बता दे, सिंगल जीरो भी अगर कहीं लिखा होगा, सिंगल जीरो की बात कर रहे हैं, तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। हमेशा डबल जीरो की फॉर्म में ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और एक बहुत काम की बात, जो नंबर काउंटिंग में 10, 20, 30, 40 उन्हीं का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। कभी कभी ऐसे भी लिख देंगे, आप कहोगे सर 300 लिखा हुआ, अब तो आप दो डिजिट है ना, अब तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। नहीं होगा, हमेशा काउंटिंग में जो नंबर आएंगे 10, 20, 30, 40 इन्हीं का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इन्हीं नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। हमने ये बात क्यों कही है, 2, 3, 7, 8 ऐसे नंबर एंड में आएंगे तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे। देखिए जरा हम डिस्कस करें इसको कैसे। देखिए जो भी हमने स्क्वायर दिखाए थे सारे नंबर से 1 से लेके 9 तक में, आप बताओ यहां पे 2, 3, 7, 8 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसीलिए हमने कहा था अगर 2, 3, 7, 8 अगर आएगा तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। तो हो बात समझ में आई, कंक्लूड करते हैं। ये नंबर्स लिखे हैं, ये स्क्वायर, ये उनका यूनिट प्लेस, बात समझ आ रही है? बहुत इजी है, कितना आसान था सारा सबको सॉल्व करना, समझना। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं एग्जांपल में, तब डिस्कस करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो कोई भी लिखते हैं एक नंबर, सपोज 4096। अब सॉल्व करने का तरीका देखना, बहुत आसानी से बताएंगे, आपका बहुत टाइम सेव होगा। और ये याद रखो, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो आपका टाइम बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है सेकेंड में। अगर आप 10 सेकेंड भी बचा लेते हैं तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, सो आप स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या होता है, जब भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हम हमेशा आखिरी के दो नंबर्स को लेंगे। स्क्वायर रूट में हमेशा आखिरी के दो नंबर्स को पिक करते हैं, आखिरी के दो नंबर ले लो, आगे कितने भी नंबर हो, हमेशा लास्ट से दो ही नंबर लेंगे, हमेशा लास्ट से दो नंबर। अब बस एंड चेक करो, एंड में क्या दे रखा है मेरे 6, तो हमने भी बताया था ना थोड़ी देर पहले, अगर एंड में 6 है तो मेरे आंसर में क्या आ सकता है, 4 और 6 आ सकता है, या तो एंड में 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब 40, अब हमें करना क्या है कि 40 दे रखा, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर आपको बताना है जो 40 के आसपास हो, उससे ज्यादा ना हो। तो आप क्या बोलोगे, अगर बोले एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 40 के आसपास हो, उससे ज्यादा ना हो, तो आप बोलोगे सर वो 6 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है तो ज्यादा हो जाएगा। हमेशा कम वाली वैल्यू को ही पिक करना है, ग्रेटर वैल्यू को नहीं लेना है। ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 40 के नियर हो, आसपास हो, कौन सा होगा, आप बोलोगे सर 6 होगा। एक और शॉर्टकट बताते हैं, अगर मेरे ऑप्शंस में इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन है और नन ऑफ दीस नहीं है, तो आप अभी टिक करते और आगे बढ़ जाते, लेकिन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर दोनों ऑप्शन में है तो अभी आपको नहीं पता ये 64 मेरा आंसर है या 66 मेरा आंसर है, बात समझ आ रही, आगे बढ़ते हैं। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा 6 है, दोनों में कॉमन नंबर 6 है, उसका मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर से करना है हमेशा। यहाँ पे 6 दे रखा है तो 7 से, अगर यहां पर 7 होता तो किससे करते, 8 से करते, तो 6 का मल्टीप्लाई 7 से किए तो रिजल्ट क्या आया, 42। बस खत्म, बस सिर्फ कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये मेरा जो 42 है ये 40 के रिस्पेक्ट में लेस है कि मोर है, कम है या ज्यादा है,
तो आप कहोगे सर ये ज्यादा वैल्यू आई है इसके रिस्पेक्ट में, इसकी तुलना में। तो हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है वो अगर इस वैल्यू से ज्यादा है तो आंसर हमेशा छोटा वाला, उल्टा ऑपोजिट हम रिपीट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आया वो अगर बड़ा है तो आंसर छोटा वाला, किससे बड़ा है इस वाली वैल्यू से, इस 40 से अगर ये बड़ा है तो आंसर छोटा वाला, अगर ये वैल्यू छोटी होती तो आंसर बड़ा वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। 7744, अब फिर से वही दो डिजिट को पिक करते हैं लास्ट से, एंड से दो डिजिट, एंड को चेक करो क्या है, 4 है। अब अगर एंड में 4 है तो आंसर में मेरे क्या आ सकता है, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, बता चुके हैं हम आपको। अब 77, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 77 के आसपास हो उससे ज्यादा ना हो तो बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो हम कौन सा लेंगे, हमेशा लेस वाला लेंगे। तो 8 यहां पे भी नोट किया, 8 यहां पे भी नोट किया, अब दोनों में कॉमन नंबर कौन सा, 8। अब कॉमन नंबर अगर 8 है तो हमने क्या बताया था, उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब 8 है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से। 8 9 का कितना होता है, 72 होता है। अब 8 9 का अगर 72 हुआ तो आपको ये पता है ये 72 77 के रिस्पेक्ट में कम है, तो आंसर कौन सा वाला लोगे, आप बोलोगे सर 88 लेंगे, क्योंकि ज्यादा वाला कहा था आपने, उल्टा बोला था। अब 72 77 से क्या है, कम है 72, तो आंसर बड़ा वाला। अगर 78 होता तो आंसर क्या लेते, छोटा वाला लेते। बात समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एक नंबर और लेते हैं 9216, ठीक है। लास्ट से दो डिजिट लेना है, हमेशा लास्ट से दो ही लेंगे, एंड में क्या है 6, तो मेरे आंसर में क्या आएगा, 4 और 6 आएगा। अब 92, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 92 के आसपास हो, उससे ज्यादा ना हो, तो आप बोलेंगे सर 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो हम कौन सा लेंगे, 9, 81। कितना कम है मतलब नहीं है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 9। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 9 है, तो 9 का मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर से करो, मतलब 10 से करो, तो कितना आएगा, 90 आएगा। बताओ ये 90 इस 92 से कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे कम है, तो आंसर कौन सा वाला, ज्यादा वाला। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल ले ले, 12544, लास्ट से दो डिजिट, एंड चेक करो, एंड में क्या है, 4, तो मेरे आंसर में क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, ठीक। अब 125, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 125 के आसपास हो, उससे ज्यादा ना हो, तो आप बोलोगे सर 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 11 हमेशा कम वाला लेंगे, तो 11 ले लेते हैं। 11 लिया, अब 11 का मल्टीप्लाई 12 से, 11 का मल्टीप्लाई अगर हमें 12 से करना है तो क्या आएगा, 11 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रिजल्ट 132। अब आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, इस पे हम वीडियो बनाएंगे कि नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो 11 और 12 का मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 132। ये जो 132 है ये 125 से कम है कि ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ज्यादा है, तो आंसर कौन सा वाला, लेस वाला, कम वाला, यही होगा इसका आंसर। होप ये बात चीजें समझ आ रही होंगी धीरे धीरे। ये आपके लिए था कि जो जहां पर पॉइंट अगर ना हो, अगर सर पॉइंट लगा दिए तब क्या करेंगे, है ना, तो ये भी दिमाग में आ सकता है, तो वो भी आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पूरा रूट का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाए, कोई डाउट ही ना रहे, आपको पूरा क्लियर रहे बिल्कुल, ठीक है। तो वो भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा आ जाता है कि पॉइंट लगा दिया उन्होंने, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। सपोज रूट पे लगाया 23.04, ये पॉइंट लगा हुआ है, याद रखना, एक पता है केवल डराने के लिए पॉइंट होता है और कुछ नहीं, जैसे सॉल्व कर देते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर की वो बात करेगा तो परफेक्ट ही लिखा होगा, वरना बोलेगा कि उसकी लगभग वैल्यू बताओ क्या आएगी, ठीक। तो ऐसा अगर लिखा है 23.04 तो भूल जाओ कि पॉइंट लगा हुआ था, जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे। आखिरी से दो डिजिट लिया, एंड को चेक करो क्या आया, 4, तो मेरे आंसर में 2 और 8 आएगा, ठीक। अब 23, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 23 के आसपास हो, तो आप बोलोगे सर 4 होगा, 5 की वैल्यू 25 होती ज्यादा हो जाएगी, तो 4 ले लिए। कॉमन नंबर क्या है, 4, 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, उसके नेक्स्ट नंबर से, 4 5 का कितना होता है 20। अब ये जो 20 है इस 23 से कम है कि ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर कम है, तो आंसर कौन सा वाला, ज्यादा वाला, बट क्योंकि पॉइंट लगा हुआ था
तो याद रखना एक बहुत बढ़िया छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट बता दे, जब भी स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो अगर मेरा स्क्वायर रूट में दो के बाद पॉइंट है तो जो भी आंसर निकालोगे उसमें एक के बाद पॉइंट लगा दो, आपका आंसर 4.8 इसका आंसर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा दो दो की फॉर्म में पॉइंट चलेगा, दो के बाद फिर चार के बाद फिर छह के बाद, तो मेरे आंसर में क्या आएगा, दो के बाद पॉइंट लगा तो मेरे आंसर में एक के बाद पॉइंट, अगर ये चार के बाद पॉइंट लगा होता तो मेरे आंसर के बाद दो के बाद पॉइंट आ जाता। बात समझ पा रहे हो? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल अगर हम लेंगे, सपोज फोर फोर मान लेते हैं, वैल्यू 7744 ही को लेते हैं, ये ऐसे लिखा है कुछ पॉइंट लगा के, कुछ ऐसा लिखा है। अब अगर पॉइंट लगा के कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो हमने क्या कहा था एंड से, यहां पर मेरे आंसर में क्या आएगा, 2 और 8 आएगा 77, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 77 के आसपास हो, तो आप बोलोगे सर 8 और 8 88 82। तो अब हमने क्या कहा था, ये 82 और 88 है, 8 कॉमन है मल्टीप्लाई किससे 9 से, 8 9 से 72। अब ये 72 इस 77 से कम है कि ज्यादा है, कम है तो आंसर कौन सा वाला, ज्यादा वाला, बट दो के बाद पॉइंट है तो मेरे आंसर में कितने के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, 8.8 इसका आंसर होगा। मतलब तरीका चेंज नहीं होगा, बस पॉइंट लगाना है आपको, कुछ नहीं करना, दो के बाद पॉइंट तो मेरे आंसर में एक के बाद पॉइंट, अगर चार के बाद पॉइंट तो मेरे आंसर में दो के बाद पॉइंट, अगर छह के बाद पॉइंट तो मेरे आंसर में तीन के बाद पॉइंट। होप ये वीडियो आपको थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे हमने क्या क्या बताया है, क्या क्या डिस्कस किया है। कोई डाउट रहना नहीं चाहिए इससे रिलेटेड, अगर कुछ होगा तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। और आपके लिए होमवर्क है, 1296 का आंसर क्या आएगा ये हमें बताना है आपको, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो होप यू वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।